केदारनाथ के पैदल रास्तों पर ये बेजान पड़ा जानवर कुछ दिनों पहले यात्रियों को केदारनाथ धाम तक पहुंचा रहा था। सोचिए इसके साथ किस कदर की क्रूरता की गई होगी जो इसने बीच रास्ते पर दम तोड़ दिया। जहां एक तरफ केदारनाथ यात्रा अपने चरम पर है, वहीं दूसरी ओर कुछ दर्दनाक तस्वीरें भी देखी जा रही हैं। केदारनाथ के पैदल रास्ते पर इस खच्चर की मौत सब कुछ बयां कर रही है। यात्रा के शुरुआती दिनों से ही भक्त घोड़े खच्चरों में सवार होकर केदारनाथ जा रहे थे। खराब मौसम के चलते पैदल मार्ग पर भी कीचड़ वगैरह देखने को मिल रहा था। इस बीच घोड़े खच्चरों में सवार यात्रियों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब मौसम खिल चुका है और यात्रा ने भी रफ्तार पकड़ ली है और ऐसे में पैदल मार्ग खचाखच भरे पड़े हैं। पैदल मार्ग पर बेसुध बेजान पड़े जानवर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, क्योंकि इस खच्चर ने बीच रास्ते पर दम तोड़ा है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। पैदल मार्गों में उमड़ी भीड़ की वजह से भक्तों को ही ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और उनकी मुसीबतों में इजाफा करने का काम अब ये घोड़े खच्चर भी कर रही हैं। घोड़े खच्चर पैदल मार्गों पर यात्रियों को काफी परेशान कर रही हैं। कई यात्रियों को तो घोड़े खच्चरों के धक्के भी सहने पड़ रहे हैं, जिस वजह से उन्हें काफी चोटें भी आई हैं। वहीं अब पैदल मार्ग पर इस तरह मरे पड़े घोड़े खच्चर से परेशानियां और भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इन घोड़े खच्चरों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। पैदल यात्रियों के अलावा डंडी कंडी वालों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि केदारनाथ के लिए रोज हजारों की संख्या में यात्री निकल रहे हैं और पैदल मार्ग को पार करके केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शन कर रही हैं। अभी यात्रा को शुरू हुए एक महीने का समय हुआ है और अभी तक 5.5 लाख भक्त केदारनाथ धाम में दर्शन कर चुके हैं। बदलते मौसम के बीच भी भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। गुजरते दिन के साथ ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड।